योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हम सभी के अत्यंत पवित्र श्रद्धा स्थान तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर में जो भीषण कांड हुआ उसको सुनकर के उसे जान करके रोंगटे खड़े हो गए। अंतकरण अंदर से भीषण दाह का अनुभव कर रहा है। हमारे ठाकुर जी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़। जिस भगवान वेंकटेश्वर के असंख्य भक्त निरंतर उनके पाद पद्मों का चिंतन करते हैं और वहां के प्रसाद के रूप में मिले हुए 4 करोड़ को पाकर के अपने को धन्य मानते हैं, उन भगवान वेंकटेश्वर के प्रसाद में अत्यंत अपवित्र पदार्थों का समावेश करने वाले पापियों को कठोर से कठोर दंड मिलने की आवश्यकता है। जिस पापी जगनमोहन रेड्डी के द्वारा यह काम किया गया उसको तो जितनी भी सजा दी जाए वो कम है, क्योंकि उसने ये खिलवाड़ साक्षात भगवान के साथ की है। भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर के भीतर अहिंदुओं को काम के लिए बुला करके वहां उन्हें सेवाएं दे करके और मंदिर के अध्यक्ष के रूप में भी एक ईसाई को नियुक्त करके जो पातक इन लोगों के द्वारा किया गया उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। मैं पूरी हमारी जागृत संत मंडली से अनुरोध करता हूं कि इसके कठोर शब्दों में भर्त्सना निंदा होनी चाहिए। समाज से अनुरोध करता हूं किस पापी के लिए कठोरतम दंड दिए जाने के लिए हम लोगों को सरकार पर दबाव डालना चाहिए। न्यायालयों से मैं मांग करता हूं कि हिंदू मंदिरों के साथ चला हुआ यह खिलवाड़ आखिर कब तक चलने वाला है। उन सारे पापियों को भी मैं याद करता हूं जिन्होंने हिंदू मंदिरों के ऊपर कब्जा करने का प्रावधान हमारे संविधान के अंतर्गत डाल दिया। हम सबको मिलकर के इन सब बातों का प्रतिरोध करना होगा। हमारे सारे पवित्र मंदिर सरकारी शिकंजे से छूटने चाहिए। वहां पर चलने वाली इस प्रकार की अपवित्रताओं के लिए जो भी जिम्मेदार है उनके ऊपर कठोर कार्यवाही होनी चाहिए और इस प्रकार का कोई भी कांड करने का साहस कोई भी न करे, इस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण करना चाहिए। एक बात मुझे और कहनी है। सोशल मीडिया पर मैं ये देख रहा हूं कि लोग किसी भी मंदिर के प्रसाद लेने के बारे में अब आशंकित हो रहे हैं, उसके विरोध में प्रचार कर रहे हैं। बंधुओं एक बात ध्यान रखना, हमारे ठाकुर जी के मंदिर ये हमारे संस्कृति के केंद्र हैं, इसलिए किसी पापी ने इस प्रकार का कार्य भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में किया होगा, श्रीशैलम के मल्लिकार्जुन मंदिर में किया होगा अथवा और कहीं किया होगा,
उनका प्रायश्चित तो उनको देना चाहिए, लेकिन हमारे मंदिरों का दर्शन करना, मंदिरों का पूजन करना, मंदिरों के प्रसाद ग्रहण करना, ये हमारी परंपराएं टूटनी नहीं चाहिए। हमारी परंपराओं से हमारी संस्कृति बची हुई है। इसलिए इस एक दुर्घटना का उपयोग करके मंदिरों से हमारी निष्ठा को कोई हटाने का प्रयास करेगा, उसका भी भरसक विरोध होना चाहिए। हम खड़े रहेंगे, विरोध के लिए भी खड़े रहेंगे और भगवान की सेवा अखंड रूप में करते रहेंगे। भारत माता की जय, वेंकटेश्वर भगवान की जय।